आई होप सो आप लोग का टेस्ट जो हो गया गया होगा वो अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, जिसने मैंने मैंने आपको पहले भी बोला था जिसने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ी होगी उसके लिए मेंस मेंस बहुत अच्छा जाएगा, और एक पेपर भी मेंस लेवल का था या जैसा आप जानते हैं। दूसरी बात क्या थी यहाँ पे जो यहाँ थे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने देखे आपको वो बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैंने आपको हमेशा ड्यूरिंग द लेक्चर भी बोला प्लीज रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ओके चलो लेट अस आवर्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 226, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकल यूज मैंने देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया मेल्टिंग ऑफ स्नो बाय सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन होता है तो सॉल्ट डालने पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सेकंड एग्जांपल बोला डिसिलेशन ऑफ सी वाटर, ये भी एक रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल है व्हिच इज आल्सो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास, जो कि हम हर फॉर्मूले से मोलर मास को भी निकालते हैं, चाहे डेल्टा टीएफ हो चाहे डेल्टा टीबी हो या ऑस्मोटिक प्रेशर, उन सब से हम क्या निकाल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो डिटरमिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये गलत ऑप्शन है। ठीक है तो ऑप्शन इज नंबर सी, 26 का सी हो जाएगा। ठीक है नाउ क्वेश्चन 26 का मैं लिख भी देता हूं, डोंट वरी 26 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 27 की। 27 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आपको याद होगा मैंने क्लासरूम में भी कराया था, इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन सॉरी नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या होता है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा उनके बीच में भी। इसमें क्या हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ओके तो इसका बोल सकते हो आंसर 27 का सी हो जाएगा, 27 का भी सी होगा। 28 क्लासरूम के एग्जांपल है दोनों, ये वाला 27 वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस। ओके देखो सी तो ऑप्शन अभी मैंने डिस्कस किया, ये तो क्या देगा आपको नेगेटिव डेविएशन देगा, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन एग्जांपल क्या सा हो सकता है, फिनॉल एंड एनिलीन भी एग्जांपल हो सकता है आपका बेंजीनोटेरबिन आइडियल होगा। ठीक है फिनॉल एंड एनिलीन भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन होगा एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेनॉल इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मैं दिमाग लगाना नहीं था क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोले पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल वो पढ़ के जाइए हमेशा एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। ठीक है प्लॉट ऑफ 1 बाय एक्स ए 1 वर्सेस 1 बाय वाई, आई होप सो ये भी सबने क्वेश्चन कर लिया कि क्लासरूम का क्वेश्चन है, तो इसने क्या पूछा स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा है, स्लोप और इंटरसेप्ट इसका ऑब्वियस बात है पी नॉट ए बाय पी नॉट बी होगा, ए पी नॉट ए बाय पी नॉट बी क्या हो जाएगा मेरा इंटर ये स्लोप हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, 1 बाय एक्स वर्सेस 1 ए क्लासरूम का ही क्वेश्चन है। ठीक है 30 नंबर, ठीक है और 30 नंबर क्या बोल रहा है लिस्ट 1 एंड एप्रोप्रिएट दोनों को मैच द फॉलोइंग करना। ठीक है पॉइंट इज देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है 30 पी क्यू आर एस पी, देखो 0.91 NaCl सॉल्यूशन जो होता है मतलब NaCl 0.91 आप बोल सकते हो सलाइन वाटर हम जो लगाते हैं ना अपने बॉडी के अंदर वो 0.91% NaCl होता है उसके अंदर, तो वो बोल सकते हो आइसो वो जो होता है आइसोटोनिक होता है हमारे ब्लड के साथ, तो पी का जो ऑप्शन होगा 3। तो जब 0.91 आपका आइसोटोनिक हुआ तो 1.25 आपका क्या होगा हाइपरटोनिक, क्योंकि ये सब कंसंट्रेशन क्या हो चुका ज्यादा हो चुका है, तो क्यू का क्या होगा 1। अब आर क्या बोला 0.75% NaCl मतलब अब 0.91 पे आइसोटोनिक होता है तो उससे कम पे क्या होगा हाइपरटोनिक होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ऑब्वियस बात है S का ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका B P3124। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करने पे ये मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है FeCl3 ऑन रिएक्शन विद KFe और CFeCl से एक्वस सॉल्यूशन गिव्स द ब्लू कलर। ठीक है बोल क्या रहा है FeCl3 जब रिएक्शन करता है K4FeCN6 के साथ, ठीक है K4FeCN6 के साथ तो ब्लू कलर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है एक कंटेनर में दोनों अलग अलग तरफ है, क्या है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये SPM के साथ मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया हमको, तो बोला ब्लू कलर किस तरफ फॉर्म होगा एक्स की तरफ फॉर्म होगा या वाई की तरफ फॉर्म होगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो जब K4FeCN6 यहां जाएगा या FeCl3 यहां जाएगा तो ही ब्लू कलर फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज तो ब्लू कलर फॉर्मेशन तो इट्स इम्पॉसिबल। आपको पता है
चाहे किसी का भी कंसंट्रेशन कम हो, एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जा सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कभी भी नहीं जा सकता है। तो जब ये दोनों पार्टीशन अलग अलग जगह पे है, मतलब दोनों एसपीएम के इस तरफ एफिसियल थ्री, एसपीएम के उस तरफ केपी और एफिसियल सिक्स है, तो ये पार्टिकल का मूवमेंट ना इधर से इधर होगा ना इसका उधर से उधर होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, और जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा भी नहीं, क्योंकि ब्लू कलर तब बनेगा जब ये दो रिएक्ट करेंगे तब ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। तो जब जब सिर्फ पानी ही आ जा रहा है तो फिर कैसा, तो कैसा रिएक्शन, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, इस वजह से कोई भी ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। 31 का ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, 32 में क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू वाटर इंक्रीजेस एज टेंपरेचर इज, ठीक है, मैच द प्रोसेस द लिस्टेड एज द चेंज इन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ठीक है, 32 का हम देख लेते हैं अभी, 32 का, ठीक है, 32 का गैस प्लस वाटर। ठीक है, गैस को वाटर में जब भी आप डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, एक्सोथर्मिकली रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिकली रिएक्शन में तो आप ऑप्शन देखो, आपके पास क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है फोर्थ, डेल्टा एम लेस देन जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा एम मतलब चेंज इन मोलैलिटी या चेंज इन कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। तो हाँ, भले आप ये बोल सकते हो, देखो गैस की एंट्रोपी ज्यादा है, तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर वो उसमें डिसॉल्व हो चुका है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो चुकी है, घट चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है पी क्यू आर एस, तो पी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, पी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर। क्यू में क्या बोल रहा है, सॉलिड प्लस वाटर। ठीक है, अब नमक चीनी को जब आप डिसॉल्व करते होते हैं क्या होता है, ये भी क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, जब आप मिक्स करोगे तो जब चीनी को आप पानी में मिक्स करते हो तो क्या होता है, आपको घुलाना पड़ता है, तो हल्का सा टेम्परेचर रेज होता है उस वजह से, जिसके वजह क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब ऑब्वियसली बिना एंडोथर्मिक कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट में कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट एज अ किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते हो तो वो रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ऑब्वियस बात है पहले वो सॉलिड के फॉर्म में था, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या उसकी एंट्रोपी बढ़ चुकी है, तो क्यू का ऑप्शन क्या होगा, वन होगा, क्यू का ऑप्शन क्या होगा, वन होगा। ठीक है, आर देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस सॉलिड सॉल्यूट। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है कि फर्दर उसमें कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर भी अगर उसमें डिसॉल्व करना चाह रहे हो तो बात अलग, लेकिन जनरली तो नहीं होगा। सैचुरेटेड का मतलब ये हो चुका भैया वो सैचुरेट हो चुका है, फर्दर उसमें कोई डिसॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एच होना चाहिए जीरो। इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच जीरो होना चाहिए और चेंज इन डेल्टा एम, डेल्टा एम मेरे साथ चेंज इन मोलैलिटी दिया, हाँ चेंज इन मोलैलिटी दिया, जो भी जीरो ही रहेगा, तो आर का ऑप्शन टू रहेगा, तो एस का ऑप्शन ऑब्वियसली क्या रहेगा, थ्री रहेगा। ठीक है, तो एस में तो क्या है, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड में भी अगर आप मिक्स करोगे तो भी मुझे नहीं लगता जल्दी से कोई, मतलब मान लो अगर आप सुपर सैचुरेटेड में और डिसॉल्व कर भी देते हो तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सॉलिड सॉलिड जो होगा ना वो एक्सेस में सेपरेट आउट हो जाएगा, जस्ट लाइक आइसिंग सेपरेट बताया था ना मैंने आपको एक एग्जांपल डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी तरीके से क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप और फर्दर चीनी डाल देते हो क्या हो जाएगा, पूरा आधा थोड़ा बहुत सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, और रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिस वजह अब सॉल्यूट सेपरेट आउट हो चुका है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो चुकी है, घट चुकी, तो ऑब्वियस बात है एस का ऑप्शन क्या होगा, फोर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट शो द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मोलेट, ऑप्शन बी है एक्वा सॉल्यूशन इतना बड़ा अबाउ सीएमसी, फिनॉल इन बेंजीन, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ थायो यूरिया। ठीक है, देखो पहला दो ऑप्शन जो होता है ना वो मिसलेट फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, मिसलेट, आप सर्फेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, ये कभी भी कोलिगेटिव या सॉल्यूशन टॉपिक में इनका तो कोई जिक्र ही नहीं है पहली बात को। ठीक है, तो पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बच रहा है, ऑप्शन सी बच रहा है फिनॉल इन बेंजीन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, बचा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव, सॉरी फिनॉल और बेंजीन, फिनॉल और बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाँ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ थायो, सॉरी ये एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इसमें डीप नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन थे ये, तो याद रखिएगा एक बार सॉल्यूशन ऑफ थायो यूरिया। ओके, नाउ अनदर वन, एक जस्ट होल्ड फॉर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 33
बेंजीन जो होता है मेरे हिसाब से डाइमराइजेशन शो करता रहेगा, तो डाइमराइजेशन शो करेगा तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो शो करेगा ठीक है, और 102 मिसलेट फॉर्म कर दे तो भी ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं ठीक है। एक्सेप्ट ऑप्शन डी जो होगा ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन डी होगा ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ऑप्शन सी आंसर होगा, तो ये आपको एक बोनस मिलेगा, आंसर इसका गलत दिया हुआ ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा क्योंकि डाइमराइजेशन शो करता है, तो डाइमराइजेशन शो करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, जिस वजह से ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। आई बस तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ठीक है। 13 इट्स नॉट नेगेटिव डेविएशन नहीं शो करता, डाइमराइजेशन शो करता है ठीक है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 34, वन मोल ईच ऑफ द सॉलिड ठीक है, NaCl P का NaCl दिया हुआ है जिसका I की वैल्यू कितनी है 2 है, Q में आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है K2SO4 जिसके I की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, सब आपने क्लासरूम में किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ उन पर। Na3PO4 तो Na3PO4 किस में टूटेगा, 3 Na+ PO4 3- होता है, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और S आपके पास क्या है ग्लूकोज है, S आपके पास क्या है ग्लूकोज है जिसमें आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, तो जिसका आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका रिलेटिव RLBP भी सबसे ज्यादा, मतलब P0 P0 - P/P0 = I × XB, मान ले रहा हूं मैं कि सबका कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस बात है मोल फ्रैक्शन सबका इक्वल ही होगा ठीक है, क्योंकि 1 मोल बाय 5 तो 1 बाय 5 ही सबका होगा, 1 बाय 6 ही होगा सबका XB, लेकिन आई सबसे अलग होगा, तो जिसका आई वैल्यू ज्यादा मतलब RLBP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूं आई इसका मतलब सबसे ज्यादा आर का होगा, उसके बाद होगा Q का, उसके बाद P का और उसके बाद S का ठीक है, तो ये देख लेना ऑप्शन क्या होगा आपके 34 का, SPQR ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक ठीक है, अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आइसोटोनिक मतलब पहले चेक करो कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं, 3.42 डिवाइडेड बाय 342 मतलब 0.01 हो जाएगा इन 1 केजी ठीक है, तो 0.01 मेरे मोलैलिटी हुआ, और 0.18 0.18 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 180 ये भी कितने में 1000 में, तो इनटू 1 ही कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.001, तो ऑप्शन ए गलत हो गया आपका, ऑप्शन ए आइसोटोनिक नहीं है, ऑप्शन बी तो अगेन 0.01 ही है, 3.42 × 1000 तो ये तो 0.01 मोलर ही है ठीक है, इज इक्वल टू अगर देखते हैं ये आइसोटोनिक होने के लिए बराबर होना चाहिए, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 1000 बाय 100 ठीक है, दिस और दिस कैंसिल, हाँ ये 0.01 आ रहा है, बट अगर कंसंट्रेशन सेम है इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, प्योर वाटर एज वेल एज सेपरेट इक्विमोलर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आप क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 36 में प्योर वाटर दिया हुआ है सेपरेट इक्विमोलर एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन NaCl K4 अच्छा अच्छा आपको और क्या-क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है K3FeCN6 और K4FeCN6 ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर तो भैया आई का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसमें आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसमें आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2, 4, 5 हो जाएगा इसका आई की वैल्यू ठीक है। Now are available which of the following is correct for the 100% of the dissociation of the अच्छा 100% भी मान लिया है, increase order of freezing point, increasing order of freezing point बताना, increasing order of boiling point बताना ठीक है, went of the option D went of factor तो option D तो पहले गलत हो गया ठीक है, boiling point और freezing point का आपको order बताना, मुझे पता है delta TF is directly proportional to I, इसका मतलब डेल्टा टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा ठीक है, जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उसका टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कम होता है, इसका मतलब सबसे अगर ये 1 है ये बोल दिया उसने ये 2 में कंटेनर में रखा हुआ, ये 3 कंटेनर में रखा हुआ, ये 4 कंटेनर में रखा हुआ, इसका मतलब 1 का सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 3 का होगा और उसके बाद 4 का होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट का मुझे केस मिलेगा ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, उसी तरीके से डेल्टा टीबी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो टीबी भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी,
इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 4 3 2 और 1। तब देख लो ये बॉइलिंग पॉइंट का मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर वो फ्रीजिंग पॉइंट का, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, हाँ बी, बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई ऑप्शन गलत दिया है भी नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात है, व्हिच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन ट्रू क्या, डेल्टा एच मिक्स 0 होना चाहिए, डेल्टा बी मिक्स 0 होना चाहिए, बट डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखो डेल्टा बी मिक्स दिया हुआ बिल्कुल सही है, डेल्टा एस मिक्स 0 नहीं होगा, तो 37 का ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, an aqueous solution of solute AB has a boiling point 101.08, ठीक है boiling point दिया हुआ है, aqueous दिया हुआ है, इसका मतलब delta TB की value आपको कितना दिया हुआ है, delta TB की value दिया 1.08, क्योंकि 100 minus 1 sorry 101.8 minus 100 degree, तो ये कितना 1.0, तो delta TB आपको मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, freeze हो रहा है -1.8, तो delta TF आपको क्या मिल गया 1.80। ठीक है, उसने क्या हुआ के बी बाई के एफ का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ए बी क्या होगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे वो 100% आयनाइजेशन बोला है, तो जरूरी नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे भी 100% आयनाइजेशन होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट, जरूरी हर सॉल्यूट जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर डिसोसिएट कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी डिसोसिएट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है वो डाइमराइजेशन भी फॉर्म कर दे, ट्राइमराइजेशन भी फॉर्म कर दे, आई लेस देन वैल्यू 1 भी हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड अपॉन द पार्टिकल की वो किस नेचर का पार्टिकल है। तो हम पहले चलो देख लेते हैं, डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, के बी इंटू एम इंटू आई, आई बी बॉइलिंग पॉइंट पे आई बी लिखूंगा मैं। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ इंटू एम इंटू आई एफ, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ये और ये कैंसिल हो चुका है, डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ मतलब क्या हो जाएगा 1.08 बाय 1.8 इज इक्वल टू आ जाएगा के बी बाई के एफ, के बी बाई के एफ का उसने रेशियो कितना दिया हुआ 0.3, और आई एफ आपको निकालना है, तो यहाँ से आई एफ जब आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.45 आता है, तो जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.5 कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, डाइमराइजेशन फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, डाइमराइजेशन। 38 का तो 38 का जो आंसर आएगा, 38 का माय मिस्टेक आईएफ जो आएगा वो 1 आएगा, माय मिस्टेक 1 पर, हाँ ये 0.6 आता, सॉरी 0.6 कैंसिल हो जाएगा, तो आईएफ 1 आएगा, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा, ये किसके जैसे बिहेव करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा, तो 38 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इन वाटर हैड अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन 0.04, इफ के फॉर वाटर इज इतना, फॉर्मुलेशन तो कुछ नहीं, आई की वैल्यू निकालो, आई की वैल्यू सबको समझ में आ जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, तो डेल्टा टी एफ उसने कितना दिया, 0.0054, तो 0 माइनस 0 पर मतलब डेल्टा टी एफ कितना दिया 0.0054 और के एफ किसने वैल्यू जो दी हुई है 1.8 आई के वैल्यू कितने जगह 1.80 मोलैलिटी है 0.00 मोलैलिटी है आपका 0.001। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू जो आप निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आई की वैल्यू आती है 3। ठीक है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आई के वैल्यू 3 शो होगा, पहला ऑप्शन में क्या सेगा सीएल माइनस और उतना पार्टिकल प्लस में चला है तो 2 देगा पहला, सेकंड ऑप्शन क्या था 2cl माइनस ऑफ दैट, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से, तो आप ऑप्शन से चल सकते हो कि आई के वैल्यू 3 कौन देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 सी ऑप्शन क्या देगा 3cl माइनस प्लस उतना प्लस में चला जाएगा 3 प्लस में, तो ये 4 देगा और डी तो ऑप्शन में 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 39 नंबर, 40 नंबर क्या है, 40 नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 pure benzene freezes at 5.3 degree celsius, okay, a solution of 0.223 gram of phenyl acetic, theek hai pehle dump kar deta hu main, zyada better rahega,
क्वेश्चन है, प्योर बेंजीन फ्रीजेस एट 5.3 डिग्री सेल्सियस अ सॉल्यूशन 0.223 ग्राम ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड इन 4.4 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, डिसॉल्व किया, फ्रीज एट 4.47 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम दिस अबाउ क्या कंक्लूड कर सकते, फिनाइल एग्जिस्ट एज फिनाइल एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज सच इन बेंजीन, फिनाइल एसिटिक एसिड अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन कंप्लीट आयनाइजेशन या डायमराइजेशन, इसका मतलब यहां पे आपको आई की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी निकाल के, ठीक है, तो 40 बराबर क्या होगा डेल्टा टीएफ बराबर अगेन फार्मूला आई इनटू केएफ इनटू एम, तो डेल्टा टीएफ में से कितना लग रहा है 5.3 माइनस 4.47, 5.3 माइनस 4.47 जो होगा ये जो आपका हो जाता है 0.83 हो जाता है, इसका डेल्टा टीएफ कितना है 0.83, आई केएफ उसने कितना दिया हुआ है 5.12 दिया हुआ, 5.12 और क्या बोला उसने 0.223 एसिटिक फिनाइल एसिटिक एसिड डाल रहा है जिसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 136 इंटू 1000 बाय 4.4, तो यहां से जब आई की वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आई की वैल्यू आती है ये 0.45, मतलब आप इसका अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हो 0.5, मतलब आप मतलब डाइमराइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा डाइमराइजेशन का ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, बिल्कुल ट्रू करेक्ट है, कभी भी क्या होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है वो ही चीज, देखो आपने क्या आपको मैंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बताया था कि अगर आप एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमेशा, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि जो जिस फेज में वो हमेशा उसी फेज में रहे, तो या तो आपने आपको मैंने सेपरेशन ऑफ आइस बताया था कि जब आप बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाल देते हो तो क्या होता है सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट ही क्या होता है, लिक्विड वाला पार्ट ही क्या होता है, उसका लिक्विड वाला वेपर और उसका जो लिक्विड जो सॉलिड का जो वेपर के बराबर होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही इक्विलिब्रियम में रहता है, सॉल्वेंट एज अ लिक्विड फॉर्म है, सॉल्वेंट एज अ सॉलिड फॉर्म है, तो यही दोनों इक्विलिब्रियम, यही तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है, मतलब उस सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वेपर प्रेशर और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, उस सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म और सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म जब ये दोनों बराबर होते तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिफाइन होता है, इसलिए क्या होता था आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था बहुत सारे तो सेपरेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्यूट और एक्सेस ऑफ उसमें क्या होता था आइस सेपरेट आउट हो जाता था, क्यों, क्योंकि लिक्विड ही फ्री आइस बन सकता है, सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है वो कभी भी आइस नहीं बन सकता, इसलिए वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता था और आइस बन और कुछ बाकी जो लिक्विड जो मेरा सॉल्वेंट होता था वो क्या होता था आइस बन के सेपरेट आउट हो जाता था, ये सब चीजें हमने किया भी था पहले भी, क्योंकि उसका 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्या बोला है, 42 नंबर बोला प्योर सॉल्वेंट का देखो 42 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 42 नंबर डेल्टा H1 क्या दिया हुआ प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट में अगर हम सेपरेट आउट करते हैं प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो रहा है, डेल्टा H2 क्या हो रहा है मेरा प्योर सॉल्यूट सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा H3 क्या हो रहा है कि भैया सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो भी सॉल्यूशन बना हुआ इस तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना तो जो भी नेट डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो इन तीनों का एडिशन ही होगा, ये आईडी अगर आइडियल है तो आइडियल नहीं होगा तो ये नॉट इक्वल टू होगा, तो समेशन ऑफ डेल्टा एच मतलब क्या होगा डेल्टा एच1 प्लस डेल्टा एच2 प्लस डेल्टा एच3 आपके लिए क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, तो 50 ml ऑफ वाटर अ फ्यू ml ऑफ एसीटोन इज मिक्स्ड। ठीक है, एसीटोन को वाटर में, एसीटोन अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ वाटर को, एसीटोन में, वाटर में थोड़ा एसीटोन मैंने मिक्स किया, ठीक है, तो वेपर प्रेजेंट, ऑब्वियस बात है, कभी भी आप वाटर में एसीटोन मिक्स करते हो तो क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 44 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो सकता है। बी ऑप्शन गलत है, डेल्टा एस मिक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इज सेटिस्फाइड बाय रॉड्स लॉ इज एप्लीकेबल, डेल्टा नहीं, ऑप्शन डी, आइजोट्रॉपिक बाय आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, डेल्टा एस मिक्स जीरो हो नहीं सकता है, रॉड्स लॉ हर कंडीशन में फॉलो होता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बट और डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज एप्रोप्रिएट आंसर, बाकी तीन ऑप्शन गलत दिए हुए आपके। ठीक है, 45 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स बाइनरी, तो मैंने आपको कहा आइडियल सॉल्यूशन का कभी भी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हमेशा क्या रहता है, लीनियर रहता है हमेशा एट एनी कॉस्ट, तो इसमें ऑप्शन देखो ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इज गलत, नॉन लीनियर कभी भी नहीं होता, नॉन लीनियर सिर्फ नॉन आइडियल के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 180 फैक्टर व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर डिसॉल्वड इन 100 ग्राम। ठीक है, तो हमने मोलर मास तो कुछ नहीं, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, आप इसे कर सकते हैं पी नॉट माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या कर सकते हो एक्स बी, क्या एस बी को क्या लिख सकता हूँ, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आप ये ऑप्शन से भी जा सकते हो, या तो आप पी नॉट माइनस पी बाय पी को क्या कर सकते हो एन बी बाय एन ए, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो पी नॉट माइनस पी मतलब 185 माइनस 183 बाय 183, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ इसको मैं कर सकता हूँ 1.2 कोई नॉन वोलेटाइल है जिसका मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाता है किसका बोल रहा है एसीटोन का ना, हाँ एसीटोन का, तो 58 मॉलिक्यूलर वेट 58 हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय 1000 100 100 सम, इसका एटॉमिक, इसका वेट और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, एन बाय एन रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय 183 इज इक्वल टू 1.2 इनटू 58 डिवाइडेड बाय एम इनटू 100, तो यहां से जब एम की वैल्यू एप्रोक्सीमेटली कितनी आती है 64 आती है, एप्रोक्सीमेटली 64, तो 63 या 64 या 65 तीनों आंसर, अगर 64 पॉइंट समथिंग भी है तो एप्रोक्सीमेटली 64 आंसर क्या है सही है, ठीक है, 63.89 एप्रोक्सीमेटली आंसर आता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 तो मेरे साथ हर बच्चों ने कर लिया क्योंकि क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, एकदम क्लासरूम में सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो इसमें क्या बोला है, जब एक मोल कंटेनर में क्या था, वन मोल ए का था और तीन मोल बी का था, तब पी टोटल आपके पास कितना था 550, ठीक है, अब क्या किया मैंने एक मोल बी का ऐड किया, एक मोल बी का ऐड किया था आपके पास कंटेनर में, एक मोल का भी है बट चार मोल किसके हो गए बी के, तब 560 हो गया, तो पी रॉल्स लॉ लगा दो सीधा 550 इक्वल टू कितना होगा पी नॉट ए इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4, और ये पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या है 560 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1/5 पी नॉट ए इंटू 1/5 प्लस पी नॉट बी इनटू 4/5, ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे पी नॉट ए कितना मिलेगा, पी नॉट ए 400 मिलेगा, पी नॉट बी कितना मिलेगा मुझे 600 मिलेगा, ये क्वेश्चन क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन आपको क्लासरूम वाले मिल गए हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग अमंग द गिवन पेयर द नंबर ऑफ पेयर शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है, तो रॉड्स लॉ कौन कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन और नहीं सर
एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव रिएक्शन शो करता है, एसीटोन और CH2, यस दिस इज द एग्जांपल, एसीटोन प्लस CH2 और क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा उसमें से, आपका पॉजिटिव डेविएशन था। एसीटोन प्लस CH2 आपका कौन कौन सा शो करेगा, क्वेश्चन नंबर 48, एसीटोन प्लस CH2 ये आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है CHCl3 प्लस CCl4, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन तोड़ेगा इसमें से, इसका पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा और हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, राइट, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल ये आपको क्या देंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3, तीन ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर 3 होगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.512 नेफ्थलीन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इन 50 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, शो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन है इतना, व्हाई दैट सॉल्यूशन 0.62 ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इन सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट गिव अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज इतना, बहुत आसान था। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक बार नेफ्थलीन डाल रहा है और कार्बन टेट्रा उतने ही कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या डाल रहा है वो 0.612 कोई अननोन सॉल्यूट डाल रहा है। देखो 50 ml दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया, तो यहां से आप मोलरिटी निकाल सकते हो और फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी ही होता है। तो फार्मूला तो अगेन अभी आपका क्या रहेगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू एम, कैपिटल एम या स्मॉल एम कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों यूज कर सकता हूं क्योंकि क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज था फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलरिटी बराबर में से क्या होता है, मोलरिटी होता है, ठीक है। तो इसके लिए कितना 0.402 केबी, ठीक है केबी, और ये कितना है 0.5216, ये नेफ्थलीन के लिए पहले मैं बना रहा हूं, किसके लिए, नेफ्थलीन के लिए, और नेफ्थलीन का उसने मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 128.16 इनटू 1000 बाय 50, ठीक है। तो यहां से मैं क्योंकि देखो है तो सेम ही सॉल्वेंट, तो सेम है सॉल्वेंट, सेम मतलब केबी तो क्या रहेगा आपके लिए सेम रहेगा, तो केबी के लिए वैल्यू यहां से जो आती है वो आती है 4.94, ठीक है। अगेन आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो केबी इनटू मोलरिटी अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो डेल्टा टी भी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जब ऐड किया तो उसमें डेल्टा टी भी कितना ऑब्जर्व किया 0.647 इज इक्वल टू कितना होगा 4.94, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड किया था उसने 0.6216 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट, मुझे पता नहीं है, 1000 बाय 50, ठीक है। अगेन यहां से m की वैल्यू आती है 94.9 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 95 तक आप अप्रोक्सीमेटली जा सकते हो, ठीक है, 94.9 अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, ठीक है। हां चलो क्वेश्चन नंबर 50, 94.9 इसका एग्जैक्ट आंसर, सॉरी 94.9 इसका एग्जैक्ट आंसर है 94.9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एट 10 डिग्री सेल्सियस, वैसे इसका भी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर चलो देख ही देता हूं मैं, इसका एग्जैक्ट आंसर आता है, सॉरी यहीं पे कैलकुलेट किया था मैंने, 64.38, राइट, सॉरी 64.38 आएगा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन कंटेन 10 डिग्री सेल्सियस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 50 एमएमएच, सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड एट टेंपरेचर इज 225 डिग्री सेल्सियस व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 101.53, ठीक है। किसी कंटेनर में उसने पहला जब फार्मूला तो यही लगेगा, देखो पाई बराबर एन बाय बी आर टी, देखो एक ही कंटेनर है, जब पहली बार उसने देखा तो 500 था और पानी डाला टेंपरेचर बढ़ा दिया तो उसको 105 समथिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिखा, तो उसने बोला कि भाई कितने टाइम्स पानी डाला होगा ताकि मेरा 105 टाइम्स ये हो गया, तो सिंपल सा फंडा है, मोल्स तो सेम ही है बाकी सब चीजें चेंज हो गई हैं, तो इनिशियली 500 था बाय 760 इज इक्वल टू n बाय v1 इनटू r इनटू 283 केल्विन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनेगा 105 कितना है मेरा 105.3, दूसरा इक्वेशन 105.3760 अगेन मोल तो सेम है, लेट्स से b2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है, r into 298, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से जो v2 by v1 का रेशियो आता है वो एग्जैक्ट 5 आता है, मतलब v2 जो होगा 5 टाइम्स ऑफ v1 वॉल्यूम होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा
ये मिलेगा मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं बताना था, मुझे बस बताना था कि कितना वॉल्यूम टाइम्स मैंने बढ़ाया मतलब कितना डाइल्यूशन हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 टाइम्स हो जाएगा, जो x जो होगा वो 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ओवरऑल योर आपका सॉल्यूशन था, डिस्कशन था पेपर का। ठीक है, आई होप आपने सब कुछ समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई पढ़ नहीं समझ में आया तो यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी।